Hallelujah! Hallelujah! आज थाड़े लई एक खास परमेश्वर की आशीष है जेड़ी पीढ़ियां तो पीढ़ियां तक डिक्लेयर की जाऊगी प्रभु यीशु के नाम दे विच। आज तुसी उस आशीष नू लोगे अपने लई अपने बच्चियां दे लई अते जेड़े बच्चे थाड़े घरां विच पैदा होने वाले आ प्रभु यीशु के नाम दे विच। क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया मैं थाडे पैदा होण तों पहला ही थानू थाडी मां दी खुख दे विचों चुन लिया है और तुसी जिन्ने भी इत्थे हो सब चुने होए हो प्रभु यीशु दे नाम दे विच चुने होए हो। मैं कहा तुसी प्रभु यीशु दे नाम विच मैं कहा चुने होए हो तुसी। हालेलुया। आज हर तरह दी आलस हर तरह दी सुस्ती हर तरह के बुरे विचार हर तरह के बुरे ख्याल हर तरह दिया प्रॉब्लम्स हर तरह के डिप्रेशन हर तरह दिया समस्यावां हर तरह दिया बीमारियां अज प्रभु यीशु दे नाम च थानू छड के जा रही ने। मैं क्या जा रही ने थानू छड के और तुसी अज ही अपने घरां विच प्रभु यीशु दे नाम विच कीती गई प्रार्थना दा रिजल्ट पाओगे। अज दिया प्रार्थनावां दे फल तुसी पीढ़ी पीढ़ी तक खांदे रहोगे और कोई भी शक्ति थोड़ा फल चुरा नहीं सकती अगर तुसी परमेश्वर की आराधना अते उपासना दे विच बने रहंदे हो। आओ असी देखते हैं जबूरां दी पुस्तक पवित्र वचन 112 चैप्टर थोड़े बच्चों की गल करता है। खुदा दा दास ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੈ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जय मसीह दा मतलब है जित्या होया ते मसा कीता होया साडा परमेश्वर है जिहदी असीं उपासना करदे आ। हालेलुया। जित्या होया ते मसा कीता होया मसीह दी जय। इस करके जदों मसीह दी जय आ ते असीं भी ओहदी जित्ती हुई बादशाह दे अधिकारी हैं ओहदी जित्ती हुई बादशाह दे लोक हैं। इसलिए उदास ना होवो घबराओ ना तुहाडे काम नहीं बन रहे तुहाडे पेपर नहीं बन रहे तुहाडा आ नहीं हो रहा तुहाडा ये नहीं हो रहा। परमेश्वर ने तुहानू अपने स्वर्ग राज दे लई चुनिया ते अपनियां बरकतां तुहाडे लई डिक्लेयर कीतियां आ प्रभु यीशु दे नाम दे विच। हो सकता अज थे को हवा ना हो पखा ना हो छां ना हो पर मैं थानू यह दसना चाहना थोड़े को कीमती चीजा जड़िया आत्मक ने परमेश्वर ने थे खोल दतिया अज स्वर्ग थे खुल चुका है धरती उत्ते भी उन्होंने चीजा के वारिस बनोगे स्वर्ग में भी उन्होंने चीजा के वारिस बनोगे। जेड़े लोग प्रभु की जय करते हैं परमेश्वर उन्होंने बच्चों के लिए गल करते हैं। लिखा प्रभु का डर रखने वाला हर मनुख धन है। बोलो प्रभु का डर रखने वाला हर मनुख ये वो है अज बैठे जिन्होंने प्रभु का डर अपने दिल च वसाया ते बाइबल कहती है तुसी धन हो। हालेलुया। तुसी की हो तुसी की हो जोर न चला के बोलो तुसी की हो की हो तुसी। इसलिए जे तुसी धन है बीमारी थोड़ा नुकसान नहीं कर सकती गरीबी थोड़े जीवन का हिस्सा नहीं बन सकती नमोशी थोड़े जीवन का हिस्सा नहीं बन सकती करके थानू किसी इंसान ने नहीं मेरे जीवंदे परमेश्वर ने कहा है कि तुसी की हो। बोलो तुसी की हो जोर न चला के मैं धन हाँ। हालेलुया। लिखिया जो उसने हुक्म दी खुशी नाल पालना करता है। आज जिन्हें खुशी नाल समय से आके बैठे हैं प्रभु दे हुक्म दी पालना कर रहे हैं उन्होंने नाल परमेश्वर दे कुछ वादे हैं ते आओ असी देखते हैं केड़े वादे हैं। पहली गल उस मनुख दी संतान धरती ते शक्तिशाली होवेगी। हालेलुया। हालेलुया। खुशी मनाओ
अगर तुसी शक्तिशाली नहीं बन सके ताड़िया संताना परमेश्वर शक्तिशाली बनाने को तैयार है। हालेलुया, जोर से चलाकर बोलिए आमीन, क्योंकि आपके आमीन में पावर है। आमीन का मतलब है जो भी बोला गया है मैं उस पर विश्वास करता हूँ और उसको अपने लिए ग्रहण करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थाड़िया संताना किया शक्तिशाली, थाड़िया संताना किया एमिना ने आने ने जो बेड़ा मारी जाया करो कहे दे सामने थाडे बच्चे शक्तिशाली है। उन्होंने क्या करो बच्चा तू बहुत शक्तिशाली है, तू बहुत बड़े काम करने हैं। लोगों के सामने अपने न्याणे नु मारना ते झड़कना बंद कर दियो, बिल्कुल नहीं बच्चा नु किसी के सामने झड़कना। हाँ अंदर बुला के झड़को, तुसी मां बाप है ताडा हक है झड़को। बाइबल कहती शिटी भी चलाओ नो प्रॉब्लम, पर लोगों के सामने नहीं करके थाडे बच्चे ब्लेस किए गए हैं, थाडे बच्चे शक्तिशाली हैं, थाडे बच्चे नए रिकॉर्ड कायम करेंगे धरती उत्ते प्रभु यीशु के नाम दे विच। पर उन्होंने लई है जेड़े विश्वास करेंगे। जे तुसी विश्वास करते हो कि साडे बच्चे धरती उत्ते भावे अज वो बहुत गलत सोसाइटियां दे विच होण, भावे नशियां दे विच होण, भावे किसे गलत चीजां दे मरीद हो, पर मैं थानू दसना चाहना जे तुसी अज विश्वास कर लिया ते आंदे ही दिनां विच तुसी अपने बच्चों के रिजल्ट देखोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच। वो थाडे आज्ञाकार होने शुरू हो जाएंगे, वो थाडी आवाज सुनने वाले हो जाएंगे, वो चर्चाने वाले हो जाएंगे, वो प्रार्थना करने वाले हो जाएंगे, वो परमेश्वर की महिमा करने वाले हो जाएंगे, वो दर्शन देखने वाले हो जाएंगे, वो सपने देखने वाले हो जाएंगे, वो गैर भाषा में प्रार्थना करने वाले हो जाएंगे, वो थानू दसणगे मां बाप मैं जा वेख्या है अज परमेश्वर का वचन आ कहिंदा है आओ मिलके प्रार्थना करिए अते परमेश्वर के राज नू होर बहाल करिए। अज बच्चों नू फड़ फड़ के आवाजा मार मार के प्रेयर दे लई बुलाउंदे आ ओ आंदे नहीं, फिर लड़ाई झगड़े होंदे आ। पर अज जिन्ने भी बच्चों लई प्रार्थना कीती जाऊगी मैं कहना चाहना जे तुसी विश्वास करोगे तुसी अपने घरां विच उहनां दे रिजल्ट लाओगे प्रभु यीशु दे नाम दे विच। हालेलुया, किन्ने जणे नू वचन समझ आ रिहा, परमेश्वर दा वचन की कह रिहा, ताडी बाइबल दे विच लिख्या है। हालेलुया, ताडी ही बाइबल दे विच बोलो, ताडी बाइबल दे विच, ताडी बाइबल दे विच। ते आज इनू ऐदा क्लेम करना मेरे बच्चे शक्तिशाली आ क्योंकि लिखिया है। हालेलुया, की बोलना करो करो डेक्लेयर आज इतने ही करना शुरू करो, मेरे बच्चे शक्तिशाली आ क्योंकि वचन च लिखिया है। बोलो जोर से, जिन्नी ताकत ना बोलोगे उन्नी ताकत नाल थाडे बच्चियां विच ए पवित्र आत्मा कार्यशील हो जाएगा, उन्नी ही जल्दी पवित्र आत्मा काम करना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड, अपने दोनों हाथों को उठाओ ते कहो मेरे बच्चे शक्तिशाली है अते मैं विश्वास करता हूं क्योंकि वचन च लिखा है। जो जोर से चलाओ और बोलो, जो जोर से चलाओ और बोलो, जो जोर से चलाओ और बोलो, हमारी क्वायर शक्तिशाली है क्योंकि वचन में लिखा है। हालेलुया, हमारे वॉलंटियर शक्तिशाली है क्योंकि वचन में लिखा है, हमारे मजीशियन शक्तिशाली है क्योंकि वचन में लिखा है, हमारे साउंड ऑपरेटर शक्तिशाली है क्योंकि वचन में लिखा है, हमारे तमाम वॉलंटियर्स पूरी चर्च शक्तिशाली है क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, कितने आज खुश हैं उनके बच्चे, हालेलुया उनके बच्चे शक्तिशाली बन रहे हैं आज। प्रेज द लॉर्ड, फिर से चलाएं और कहें मेरे बच्चे शक्तिशाली हैं, मेरे बच्चे शक्तिशाली हैं। कभी कभी क्या होता है सुनिए, कभी कभी क्या होता है हम क्या बोलते हैं, हमारे बच्चे तो जी बहुत निकम्मे हैं,
ऐसा बोलना बंद करें, ऐसा बोलना, ऐसा बोलना, हाँ बंद करें। हमारे बच्चे कुछ नहीं करते, इसको कुछ नहीं आता, ये नलायक है, ये महानलायक है। आज के बाद कोई भी बाप, कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी। आप बोलेंगे ये बहुत बुद्धिमान है, हालेलुया। बोलो हमारे बच्चे बहुत बुद्धिमान है। इतनी ऐसे नहीं, पूरा जोर लगाना पड़ेगा आपको। कभी कभी आपने बहुत ही मार पीट के देख लिया है, वो बिगड़ते ही बिगड़ते ही बिगड़ते ही जा रहे हैं। लेकिन आज मैं यीशु के नाम से यहाँ डिक्लेयर करता हूँ, वो बिगड़ेंगे नहीं, आज से सुधरना शुरू हो जाएंगे। मेरे बच्चे बहुत ही बुद्धिमान है, जोर से चलाकर बोले, चलाएं चलाएं, प्रेयर है, ये प्रेयर है, करिए करिए करिए। मेरे बच्चे बहुत ही बुद्धिमान है, 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 मेरे बच्चे बहुत ही बुद्धिमान। जितने बच्चे इस तंबू के नीचे आ चुके हैं, प्रभु की ग्रेस उन पर ठहर रही है, ठहर रही है, ठहर रही है, ठहर रही है। उनकी बीमारियां जा रही हैं, उनके बंधन जा रहे हैं, वो चंगे हो रहे हैं, वो शुद्ध किए जा रहे हैं, वो चंगे किए जा रहे हैं, वो इंटेलिजेंट हो रहे हैं, वो अपने स्कूल में अव्वल आएंगे, वो अपनी किसी भी गेम में अव्वल रहेंगे प्रभु यीशु के नाम से। कितने विश्वास करते हैं कि ये वचन की घोषणा हम कर रहे हैं हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका बच्चा आपके पास बैठा है, उसका हाथ पकड़ो और बोलो, मैं डिक्लेयर करता हूँ। पकड़ो अपने बच्चे का हाथ, पकड़ो, है बच्चा आपका, उसकी आंखों में देखो, आंखों में देखो, उसकी आंखों में देखो, हाथ पकड़ो ऐसे, ठीक है, हाथ पकड़ो, उसकी आंखों में देखो और बोलो, मेरा पुत्र बहुत ही बुद्धिमान है, मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इस वचन को पकड़ोगे, आप देखोगे आपका परिवार कहां से कहां पहुंच गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा जी करता आज मैं कूदूं, आज मैं छलांगे लगाऊं, आज मैं ऐसा नाचूं, क्योंकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन प्रभु के अधीन हो रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारी जनरेशन को परमेश्वर ब्लेस कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, अगर वो गलत सोसाइटी में है, यहाँ परमेश्वर का प्रताप खुल चुका है, यहाँ अनॉइंटिंग बरस रही है। मैं कहने वाला हूँ, आप अपने बच्चों से दुखी नहीं रहेंगे। बाइबल कहती है जब परमेश्वर अपनी आशीष देता है, उसमें सोग नहीं मिलाता। हेलो, आमीन, जोर से आमीन। आप आमीन बोलो, शैतान को झटका लगना चाहिए। यस, क्योंकि जब आप उसको झटका नहीं देंगे, तब तक वो आपको झटके देता रहेगा। बोलो झटका उसको देना कि आपने खाना है, तो बोलो आमीन। इसका मतलब है पूरा हुआ। हालेलुया, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? प्रभु का वचन शक्तिशाली है। और हमारे बच्चे क्या बनेंगे, हमारे बच्चे क्या बनेंगे? ओके, लिखता है, पले मनुख दी अगली पीढ़ी आशीष प्राप्त करेगी। हालेलुया, हालेलुया। साडे बच्चियां नू परमेश्वर ने आशीष डिक्लेयर कीती है, ते आज मैं यहां खुदा का खादम, खुदा की दासी के साथ मिलकर जितने बच्चे यहां आए हैं, उन सबको आशीष देते हैं हम प्रभु के ये जिंदा नाम से। अगर आपके बच्चे में कोई बीमारी है, आज ही आप नोट करिए, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके बच्चे तंदुरुस्त बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चे बीमारी के लिए नहीं है। हालेलुया, आपके बच्चे बीमारियों के लिए नहीं बने हैं,
वो बने हैं शक्तिशाली बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और जीतने के लिए और प्रभु का नाम जीतने के लिए। हालेलुया, हमारा परमेश्वर जीता हुआ खुदा है। आगे लिखता है उसने कर धन दौलत होवेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਾਓ, ਜੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਮੈਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵੈਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਅੱਲਾਹ। ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਨਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਅੱਲਾਹ। ईमान, जब आप ईमान करोगे, जब आप वचन को पकड़ोगे, जो जो शैतान ने अपना पकड़ा है वो छोड़ना शुरू कर देगा। आप क्यों आशीष नहीं पाते? क्योंकि आप वचन को नहीं पकड़ते। वचन से शैतान डरता है। बोलो, किससे डरता है? वो आपसे नहीं डरता, वचन से डरता है। बोलो, जो आपके पास बैठा उसको बताओ, शैतान वचन से डरता है। बोलो, बता दिया। इतना सीक्रेट था कि कान में बताया, मुझे पता नहीं चला। एक बार फिर बता दो। और बोलो, वचन दिल में जमा रखो, वचन दिल में जमा रखो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बोल यीशु मसीह की। याद रखना, अपने बच्चों को गलत शब्द से मत बुलाना। कभी कभी हम प्यार से बोलते हैं, ओ गधे इधर आ। प्यार से क्या बोल? गधा, आज से गधा नहीं बुलाना। कहीं तक कहोगे, ऐ मेरा पुत्र तो अंदर जाए, आजा। अगर आप बच्चे को बंदर बुलाओगे, वो काम भी कैसे करेगा? हैं? कभी कभी हमें इतना प्यार आता है, हम प्यार में कुछ भी छोड़ देते हैं, कुछ भी। वो अच्छा है, बुरा है, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें अच्छा लगा, हम बोल देंगे। मगर याद रखिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करें प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। हाँ, क्या लिखता है? यहां लिखा है उसने कर धन दौलत होवेगा अते उसकी सच्चाई सदीप काल तक रहेगी। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे बच्चे ब्लेस किए गए हैं, वो चंगे किए गए। डिक्लेयर करना शुरू करो, मेरे बच्चे ब्लेस। अगर आप छोटे हैं, आपके भाई हैं, बहन है, उसको ब्लेस करो। अगर आप बड़े हैं, अपने बहन भाई को ब्लेस करो, अपने बच्चों को ब्लेस करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रे बेमंदा बागो नंदीली रे बेमाशा। सब गैर भाषा में प्रार्थना करें, सब गैर भाषा में प्रार्थना करें। राबो मंदा बालो रे बेमाशा।
बहुत सारे बच्चे जो शैतान के कर्ज के नीचे हैं, वो टूट रहा है कर्ज। आपके बच्चे आजाद हो रहे हैं, बुद्धिमान हो रहे हैं, आपके बच्चों का भविष्य उजला हो रहा है प्रभु यीशु के नाम से। आपके बच्चों को हराने वाला कोई भी माई का लाल इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। मैं आपके बच्चों के लिए घोषणा करता हूं, उनके जीवन का अगर विकास नहीं हो रहा, वो अपने बुद्धिमानी में बढ़ नहीं रहे, तो यीशु मसीह के नाम से आज से वो बुद्धिमान बन जाएंगे और बुद्धिमानी में बढ़ना शुरू हो जाएंगे प्रभु के नाम से। अगर आपके बच्चे शारीरिक तौर में बढ़ नहीं रहे, तो वचन में लिखा है परमेश्वर का अनुग्रह उन बच्चों के ऊपर आएगा। अभी मैं प्रार्थना करता हूं और सब बच्चों को परमेश्वर के अनुग्रह में शिफा देते हैं आज। हर बंधन टूट रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर आपकी नौजवान बच्चियां, अगर आपके नौजवान बच्चे आपकी बात नहीं मानते, आपके कहने में नहीं है, तो अभी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु के नाम से, अभी वो डिसिप्लिन को तोड़ने वाले दुष्ट आत्मा और माँ बाप की अनाज्ञा करने वाले दुष्ट आत्मा, सारे स्पिरिट को यीशु के जिंदा नाम से हुक्म देता हूँ, इन परिवारों से, बच्चियों से और बच्चियों से बाहर जा। हर शक्ति चले, हर शक्ति चले, हर शक्ति चले, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। हर प्रकार के इंटरनेट के वायरस से आपके बच्चों को आज यीशु का लहू लाके सुरक्षा में लेके आते हैं हम। हर प्रकार के वायरस जो हवा में है, पानी में है, किसी भी प्रकार के वायरस से अगर आपके बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं, तो अभी यीशु के लहू को उनके ऊपर लगा देता हूँ, उस लेले के लहू को लगा देता हूँ और ढक देता हूँ। अभी यीशु के नाम से स्वस्थ और शुद्ध हो जा। अपने फिर हाथ उठाओ, अपने भाई बहनों बच्चों को आशीष देना शुरू करो। उनके हाथों में गरीबी नहीं है, उनके जीवन में गरीबी नहीं है, वो शुद्ध किए जा रहे हैं, वो चंगे किए जा रहे हैं। धन 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 धन, आपके घरों में धन आ रहा है प्रभु यीशु के नाम से। मैं डिक्लेयर करता हूं आपके बच्चे गरीब नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। पीढ़ियों पीढ़ियों तक आने वाले श्राप को जो आपके बच्चों के ऊपर है, आज प्रभु यीशु के नाम से हम तोड़ देते हैं, 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 टूटे, 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 टूटे। वो पीढ़ियां हैं जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं, वो आपका प्रचारक करें, इसमें प्रॉफिट पैदा हो, इसमें प्रचारक पैदा हो, इसमें वर्शिप पैदा हो, इसमें बाइबल टीचर पैदा हो, इसमें भविष्यवक्ता पैदा हो, प्रभु हीलिंग करने वाले, चमत्कार करने वाले पैदा हो यीशु के नाम से। वचन कहता है, सुनिए, भजन संहिता 112 उसका 4। मेरे पास आज पंजाबी का बाइबल है तो पंजाबी में पढ़ दूंगा। पले मनुख लई हनेरे विचो चानण चमकदा है, प्रभु उस उसे अपनी कृपा दया अते न्याय प्रगट करता है। हालेलुया। पले मनुख लई, हेलो, पले मनुख लई हनेरे विचों चानण
ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ अगर थानू कुछ नहीं पता लगता है पर थाडे परमेश्वर ने थाडे नाल वादा किया है कि ओ हनेरे विचों थाडे लई रास्तियां नू बनाउण। हालेलुया। थाडा परमेश्वर हनेरे विचों चानण नू पैदा करन दी शक्ति रखता है। हालेलुया। ओदी कृपा दया ते न्याय ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਓਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਆ, ਬੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨੋ ਨੈਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋਵੋਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਨਿਆਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਿਆਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੋਲਡ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਰਿਸੀਵ, ਆਈ ਰਿਸੀਵ, ਆਈ ਰਿਸੀਵ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਆਈ ਰਿਸੀਵ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।